एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इजी सिंपल सा लुक। इस लुक को स्पेशली मैंने राखी के लिए क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इससे मेरी स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट बनेगी। आप अपने हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे निविया का यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है और हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो ये स्टेप आप कभी भी स्किप ना करें। नेक्स्ट मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। ये सनस्क्रीन न्यूट्रोजिना का है। गाइस, हमें मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये हमें सन के हार्मफुल केमिकल से बचाता है। आप सनस्क्रीन की अच्छी सी लेयर अपने फेस पे लगा दें और इसके बाद 5 मिनट्स तक इसे यूं ही छोड़ दें। नेक्स्ट मैं ये लिप बाम यूज़ करूँगी क्योंकि अपने फेस के साथ साथ अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ओरिफ्रेम का दी वन पीच परफेक्ट। ये एज अ बेबी क्रीम या सीसी क्रीम की तरह काम करता है। बस उसे अपने हाथ पे थोड़ा लें, अपने पूरे फेस पे डॉट 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 करें। उसके बाद अब ब्रश की मदद से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको अच्छे से ब्लेंड करें क्योंकि उसके ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के बाद वो अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड होता है। बस इसलिए ही आप अपने नेक को भी कवर करें ताकि आपका फेस और आपका नेक दोनों इवन लगे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 925 का प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन। इसे मैं एज अ कॉम्पैक्ट की तरह यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ा लेके अपने फेस पे उसको पैट करें अच्छे से ओवरऑल फेस पे नेक पे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी माइग्लैम का 2-in-1 आईब्रो फिलर और आईलाइनर। पहले मैं अपने अच्छे से अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल करूँगी। डिफरेंस आप खुद ही देख पाओगे अच्छे से कि कितना ईजी है ये अप्लाई करना भी और उसका लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं यूज़ करूँगी लैक्मे 925 का आई शेडो पैलेट। मैं न्यूट्रल शेड ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे रक्षाबंधन के लिए कुछ ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लुक चाहिए। बस इसलिए अच्छे से मैं अपने दोनों आईलिड्स पे लगा लूँगी, इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी क्योंकि ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं सेम वो माइग्लैम की लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऑफलाइन अपनी लाइनर लगाई है, आप देख सकते हो कितनी इवनली लगी है। नेक्स्ट मैं सेम आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी अच्छे से। और अभी मैं ओरिफ्रेम की मेटालिक लाइनर यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं कलर बॉक्स आई शेडो को एज अ ब्लश की तरह यूज़ करूँगी अपने चीक्स पे। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये लिपस्टिक भी ओरिफ्रेम ब्रांड की ही है, दी वन ब्रांड की। नेक्स्ट मैं नायका का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएंगे। इसका हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बस थोड़ा लगाओ और बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। मैं अपने नोज़ पे, अपने क्यूपिड पे, अपने चीक बोन्स पे, आईब्रोज के वहाँ पे, हर जगह उसे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं इसी हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी। लास्टली मैं अपने फेस पे मिस क्लेयर का डूई फिनिश मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी जिससे मेरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड गर्ल्स, योर रक्षाबंधन मेकअप लुक इज रेडी। वेट, रक्षाबंधन का लुक हो और कुछ इंडियन टच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले चलो हम बिंदी लगा लेते हैं और उसको अच्छे से झुमके के साथ पेयरअप करते हैं अपने ड्रेस को। हाथ में एक अच्छे से घड़ी भी पहन लेते हैं। एंड नाउ वी आर गुड टू गो। सो गाइस, आई होप आपको मेरा ये रक्षाबंधन लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा।
और गाइस अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी रक्षाबंधन पे अच्छे से रेडी हो जाए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू। बाय।